वन प्लस एस थ्री प्रो जो कि 27 जून को ना चाइना में लॉन्च होने वाला है, और जैसे ये इंडिया में आएगा ना तो इसका नाम चेंज होके हो जाएगा वन प्लस 12T। नाम ही तो है, कभी भी चेंज कर लेंगे। बट गाइस यहाँ पे बहुत बड़ी वाली कंफ्यूजन है। GSM अरिना पे देखोगे तो यहाँ पे 50 मेगापिक्सल का कैमरा दिखा रहा है हमें, और यही पे स्मार्ट फ्लिक्स पे देखते हो गाइस तो 64 प्लस 50 प्लस 84 MP का दिखा रहा है कैमरा, और यही पे गैजेट 360 पे चले जाते हो तो यहाँ पर भी भाई 50 प्लस 8 प्लस 2 मेगापिक्सल का दिखा रहा है। अब यहाँ पे भाई भसर मच चुकी है और हम समझ नहीं आ रहा है जो किसकी माने और किसकी ना। तो देखो गाइस यहाँ पे ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट करने की जरूरत है नहीं, यहाँ पे थोड़ी सा अपना दिमाग लगाएंगे। तो यहाँ पे आपको पता है GSM अरेना और गैजेट 360 जो है वो काफी फेमस वेबसाइट है, और यहाँ पे भाई काफी ज्यादा ट्रस्टेड चीज मिलती है, ठीक है ना, और हम भी ज्यादा इस पे ही विश्वास रखते हैं। तो यहाँ पे माय स्मार्ट प्रिक्स को मारो गोली, और यहाँ पे भाई जाते हैं हम लोग गैजेट 360 पे और GSM अरेना पे, तो यानी 50 प्लस 8 प्लस 2 मेगापिक्सल का यहाँ पे कैमरा हमें देखने को मिलेगा। 6.78 इंच के यहाँ पे डिस्प्ले मिलने वाले जो कि LTPO डिस्प्ले होगा गाइस, और यहाँ पे 1.5 के रेजोल्यूशन के साथ में आएगा और 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट भी देगा। तो यहाँ पे डिस्प्ले भाई काफी सही होने वाली है अकॉर्डिंग टू प्राइस, क्योंकि आपको अगर रशियन लेनी है तो 6000 तो देना पड़ेगा। यार पीछे की तरफ ग्लास होगी या फिर प्लास्टिक होगी ये चीज कंफर्म नहीं हुई है, लेकिन 80% चांस है कि यहाँ पे ग्लास होने वाली है, क्योंकि वन प्लस 11R में भी ना यहाँ पे ग्लास मिलती है, बट 11R में ना प्लास्टिक की फ्रेम थी, लेकिन यहाँ पे गाइस एल्यूमिनियम का फ्रेम होने वाला है जिसको मेटल भी बोला जाता है इंग्लिश में। क्योंकि यहाँ पे आप लोग नजर टिका के गौर से देखते हो ना तो यहाँ पे एंटीना लाइंस हमें दिख जाएंगी, और एंटीना लाइंस होने का मतलब है कि एल्यूमिनियम फ्रेम होने वाला है भाई, प्लास्टिक में नहीं होते एल्यूमिनियम लाइन, क्या बोलता हूँ, एंटीना लाइन। और यहाँ पे लुक्स भी गाइस लगभग सेम निकल के आते हैं यहाँ पे 11R जैसा ही। 11R में यहाँ पे क्या था कि भाई कैमरा जो है ना वो फ्रेम के साथ में अटैच था, यहाँ पे देख सकते हो, और इसमें क्या है भाई फ्रेम से अलग कर दिया गया है कैमरा बम्प को, तो भाई लग रहा है जैसे कि फ्रेम के साथ इसका ब्रेकअप हो गया है। यार मैं इसकी बैटरी देखकर चौंक गया, लिटरली बता रहा हूँ भाई, 6100 mAh की बैटरी सैमसंग के M सीरीज में मिला करती थी पहले, ठीक है ना भाई, 6100 mAh की बैटरी दे रहे हैं भाई, काफी तगड़ी तरीके से बैकअप हमें लाके देगा, और बस डर इतना है कि भाई फोन थोड़ा सा मोटा और भारी ना हो जाए, काफी सारे लोगों को दिक्कत होगी। बाकी इसको चार्ज करने के लिए 100 वॉट का चार्जर बॉक्स में मिल जाएगा, और 15 वॉट की वायरलेस चार्जिंग का भी सपोर्ट रहने वाला है। लड़का बहुत ही मेहनत कर रहा है, प्लीज इस वीडियो को वायरल कर दो और सुपर से डुपर बना दो प्लीज, ठीक है समरिया। परफॉर्मेंस की बात की जाएगा तो स्नैपड्रैगन 8 Gen 3 देखने को मिलने वाला है, और इसके बारे में मैं क्या ही बताऊं भाई, काफी ट्राइड एंड टेस्टेड प्रोसेसर है जो कि आपको पता है आजकल मार्केट में छा रखा है एकदम से, स्नैपड्रैगन 8 Gen 3 तो सही है भाई, गेमिंग में डे टू डे लाइफ में कोई भी आपको दिक्कत नहीं देगा, ये स्मूथली कर पाओगे सारे चीजें, बस थोड़ी सी गर्म हो जाती है कभी कभी, थोड़ी सी आप दे दोगे ना रेस्ट तो ठंडा हो जाएगा। मैं तो कुछ और ही समझ रहा था। बाकी LPDDR5X की रैम देखने को मिलेगी और UFS 4.0 का स्टोरेज मिलेगा जो की काफी सही है भाई, मतलब परफॉर्मेंस। बाकी गाइस स्टूडियो स्पीकर्स IP रेटिंग भी यहाँ पे देखने को मिल जाएगी, इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट भी हो जाएगा। इसकी प्राइसिंग की बात करते हो ना गाइस तो OnePlus 12R जो है ना वो लगभग 40,000 के रेंज में आया था, और अभी आप लोग देखोगे तो Amazon पे लगभग 28,000 का देखने को मिल रहा है, तो यहाँ पे इसकी प्राइस हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं वही 40-45 के बीच में इसका प्राइसिंग रहने वाली है। बाकी देखते हैं भाई 27 जून को चाइना में लॉन्च हो जाएगा, और इंडिया में शायद से अगस्त मतलब जुलाई के एंड तक या फिर अगस्त के आपको स्टार्टिंग में देखने को ये फोन मिल सकता है इंडिया में। तब तक लिए आप हमारा दबा के रखो सब्सक्राइब बटन।